हाँ जी राजे, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। तां जिवें कि तुहानूं पता ही होगा कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम बिल लोक सभा ते राज्य सभा दे विच पास हो चुका है। तां अज दी क्लास दे विच आपां इही देखांगे कि इस बिल दे विच की है ते अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तों इह बिल किस तरीके नाल इंपोर्टेंट हो सकदा है। तां सब तों पहलां जिवें कि आपां नूं पता है कि लोक सभा ते राज्य सभा च बिल बिना किसी विरोध तों पास हो चुका है। बिल का नाम हैगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसनों लैके आए ने अपने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। लोक सभा दे विच पहलां पेश कीता गया अते लोक सभा दे विच बिल्कुल आराम नाल गौरमेंट ने पास करवा लिया। उस तो बाद अज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा तो राज्य सभा दे विच भी बिल पास हो चुका है। उस तो बाद आपां देखांगे कि बिल राष्ट्रपति कोले चला जाऊगा अते बिल कानून बन जाऊगा, ठीक है ना। बट इंप्लीमेंट नहीं होगा, वह भी आपां गल करांगे कि गौरमेंट इस इंप्लीमेंटेशन लैके की गल कर रही है। तो सब तो पहला जेकर बिल की गल करिए, नारी शक्ति बंधन बिल या नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इस अपना 128 कंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ 2023 के जो गौरमेंट लेके आई है वूमेंस की रिजर्वेशन वास्ते कि लोक सभा दी सीटां ते अते जो राज्यां दी विधानसभा है स्टेट लैजिस्लेटिव असैम्बलीज ने, तो इस 33% रिजर्वेशन मिलेगी वूमेंस के लिए कि 33% सीटा राखवियां हो जाएगियां वूमेंस दियां। जिवें ना जेकर आपां हुण दी गल करिए कि अपनियां लोक सभा दियां 543 सीटा ने, तां 543 सीटा दा 33% 181 सीटा राखवियां हो जाएगियां वूमेंस वास्ते। इस नूं लैके बिल लैके आता है अते पास कीता है भारत सरकार दे द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम। जेकर आपां इंडिया दी दूसरियां कंट्रीज़ दे नाल कंपैरिजन करिए कि इंडिया दे विच एट प्रेजेंट वूमेंस दी रिप्रेजेंटेशन किन्नी है लोक सभा दे विच अते बाकी दियां कंट्रीज़ दे विच वूमेंस दी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की है, तो उहदे वास्ते आपां देख सकते हैं कि इंडिया च एट प्रेजेंट 78 वूमेंस दी रिप्रेजेंटेशन है लोक सभा च, जो बन जाती है अप्रोक्सीमेटली 14.4%, यानी कि 15% तो घट वूमेंस दी रिप्रेजेंटेशन है। सब तो ज़्यादा कितने है, सब तो ज़्यादा है मैक्सीको ते न्यूजीलैंड दे विच। मैक्सीको दे विच भी 50% ने, मैक्सीको दियां टोटल सीटां है 500 250 वूमेंस वास्ते ने। सेम न्यूजीलैंड दे विच 120 टोटल सीट्स ने, 60 वूमेंस वास्ते रिजर्व रखे गए ने। दैन स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, स्पेन, डेनमार्क, बेल्जियम, जिथे मोर दैन 40% 40% तो भी ज़्यादा वूमेंस की रीप्रजेंटेशन चल रही है। हुण जेकर आपां इंडिया दे विच देखिए कि इंडिया दे विच इसका बैकग्राउंड देखिए वूमेन रिजर्वेशन लैके किहड़े-किहड़े भारत सरकार ने काम किए ने जां किस तरीके दे नाल होया सारा कुछ, तो सब तो पहला जिहड़ा इसका इनीशिएटिव सी उह कीता गया राजीव गांधी सरकार दे द्वारा, बट सरकार इस नूं पास नहीं करवा पाई हैगी। उस तो बाद 1996 दे विच जदों यूनाइटेड फ्रंट गौरमेंट की सरकार सी, प्रधानमंत्री सी HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा की सरकार सी, यूनाइटेड फ्रंट गौरमेंट की सरकार सी, इन्हों द्वारा कमेटी सैटअप की जाती है गीता मुखर्जी कमेटी, गीता मुखर्जी कमेटी वूमेन रिजर्वेशन लैके। बट अनस्टेबल गौरमेंट सी, अलायंस गौरमेंट सी, जिस करके बिल का काफ़ी विरोध भी होया। नॉर्थ इंडिया की जिहड़ी स्टेट सी उन्होंने विरोध किया, जिसके चलते 1996 सरकार नाकामयाब होंदी है इस बिल नूं पास कराउण वास्ते। उस तो बाद 2008 दे विच जदों UPA गौरमेंट आउंदी आ, ठीक ना, जदों डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार सी, तां इस तो बाद जिहड़ा नैक्सट उपराला कीता गया वो UPA सरकार दे समें कीता गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार दे द्वारा एक कमेटी सैटअप की गई, जयंती नटराजन कमेटी, अगेन वूमेन रिजर्वेशन वास्ते कमेटी सैटअप की गई। 2010 जो सरकार बिल लैके आई सी, 108वां संविधानिक सोध बिल सी इह, जिसनों 2010 राज्य सभा के द्वारा पास कर दिता जाता है, पर लोक सभा दे विच सरकार इस बिल नूं लैके आउण च नाकामयाब रहिंदी है, बिल लैप्स हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा विरोध होया इस बिल का भी, तो उरे भी जिहड़ा सरकार सी इह बिल पास कराउण दे विच कामयाब नहीं हो पाई हैगी। इस बिल की जेकर आपां गल करिए जिसनों राज्य सभा ने पास करता सी, तो इस बिल दे विच भी यही सी कि लोक सभा अते विधानसभा दे विच 33% राखवांकरण मिलेगा वूमेन्स वास्ते, अते जिवें ही बिल इंप्लीमेंट हो जूगा, इंप्लीमेंट हो जाण तो बाद 15 सालां बाद यह बिल ऑटोमैटिकली सीज़ हो जूगा, खत्म हो जूगा। उस तो बाद राजे जेकर आपां हुण दी बिल की गल करिए, इसनों लैके
बहुत सारा आप समर्थन भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा आप विरोध भी देख रहे हैं, दोनों चीजें रलमा मिलमा चल रहा है। समर्थन करने वाले कहते हैं कि बहुत वधिया गल है कि वूमेन की रिप्रजेंटेशन बहुत घट आ, तो ये वूमेन इंपावरमेंट होगी, वूमेन की रिप्रजेंटेशन बढ़ूगी। वूमेन एक वूमेन पार्लीमेंट के जा रही है तो वह नारी की गल करूगी, वूमेन्स की गल करूगी। दूसरी साइड से विरोध के ये कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि इसनों पास तो असं हूँ कर देवे, हो गया पास, ठीक है ना, कि दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत नाल पास हो गया। पर जो लागू करन दी गल आउंदी है तो सरकार गल करती है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की, कि लागू होगा जो अपनी अगली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी उस तो बाद लागू करांगे। तो अपने वास्ते जरूरी है कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का की मीनिंग आ, डीलिमिटेशन का मीनिंग की होंगे राजे। तो सब तो पहले तो डीलिमिटेशन कमीशन इसनों अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटड बाय प्रेजीडेंट। जेकर पूछा गया कि इसनों अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मेन काम की होंगे रीड्रॉइंग पार्लियामेंटरी एंड स्टेट कंस्टीट्यूएंसीज, रीड्रॉ करना जिहड़ियां अपनियां हुण ही जिहड़ियां अपनियां हुण कंस्टीट्यूएंसीज हैगियां ने, जिहड़े अपने हल्के हैगे ने इन्हां नूं रीड्रॉ कर देना। सिंपल तौर दे उत्ते जिवें अपना संगरूर लोक सभा हल्का जां विधानसभा हल्का, एक मन लो लोक सभा हल्का संगरूर दा, तां संगरूर की पॉपूलेशन कितना वाधा होया है जां कितनी कमी आई है उहदे आधार दे उत्ते इसनूं वधाउणा जां घटाउणा, वह होंगे डीलिमिटेशन कमीशन का काम करना। क्यों किया जाता, ताकि इक्यूटेबल रिप्रजेंटेशन मिले। मेनली राजे जो डीलिमिटेशन है ये डिपेंड करती होंगी है सेंसस के उत्ते, सेंसस के उत्ते कि सेंसस के अपन पता चलूगा सही अंकड़िया का कि किस जगह दे विच कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है जे कितनी पॉपुलेशन घटी है, मेल्स की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी है। उस आधार के उत्ते ही डीलिमिटेशन कमीशन रीड्रॉ करूगा पार्लियामेंटरी एंड स्टेट कंस्टीट्यूएंसीज नूं, तां कि सब नूं इक्यूटेबल रिप्रजेंटेशन मिल सके। उस तो बाद जेकर इसकी आपां कंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट की गल करिए, संविधान की कहिंदा कि डीलिमिटेशन होगी हरेक सेंसस तो बाद। आपां नूं पता कि हरेक 10 सालों बाद सेंसस होंदी है, सिर्फ 2021 की सेंसस छड्ड दिंदे आ, ठीक ना, वह कोविड करके सरकार ने डिले करता, उन्हों पब्लिश नहीं किया है। बट कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि हरेक सेंसस तो बाद डीलिमिटेशन होगी। तो आर्टिकल 82 आर्टिकल दे विच भी गल की गई है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, कि रीएडजस्टमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, रीएडजस्टमेंट होगी हरेक सेंसस तो बाद। इस तो अलावा आर्टिकल 81, 170, 330 और 332 ये भी राजे रिजर्वेशन अते कंपोजिशन की गल करते हैं लोक सभा अते विधानसभा दे सीटां दे रिगार्डिंग। जो डीलिमिटेशन कमीशन है इनू कंडक्ट कौन करता है, इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन कंडक्ट करता है जिसनों अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। इंडिपेंडेंट है राजे, जो भी इसका फैसला होगा डीलिमिटेशन कमीशन का इसनों भारत की किसी भी अदालत दे विच चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये अनचैलेंजेबल होंगे, इनू किसी भी अदालत के चैलेंज नहीं किया जा सकता। जेकर आप हुण तक हुई डीलिमिटेशन की गल करिए, हुण तक राजे जेकर आप सेंसस की गल करिए आजादी तो बाद, आजादी तो बाद हुण तक 7 वारी तो सेंसस हो चुकी आ सिंस इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, पर जेकर डीलिमिटेशन पूछा जाता है डीलिमिटेशन हुई है 4 वारी। सब तो पहली डीलिमिटेशन हुई सी 1952 दे विच, उस तो बाद 1963 दे विच, उस तो बाद 1973 अते लास्ट टाइम हुई सी 2002 दे विच। अते जो लोक सभा दीआं कंस्टीट्यूएंट्स ने यह 1976 तो बाद कदे चेंज नहीं कीतीआं गईआं, तां तुहानूं पता होगा कि जो अपनी संविधान की 42वीं संविधानिक सोध हुई सी 42nd अमेंडमेंट 1976 दे विच, इस अमेंडमेंट दे विच सीटां नूं अगले 25 सालों तक फ्रीज कर दिता जांदा है, यानी कि 2001 तक फ्रीज करता सी। दैन 2001 दे विच सरकार ने 84th अमेंडमेंट की, 84th अमेंडमेंट दे विच इसनों अगले 25 सालों तक फ्रीज करता, यानी कि हुण 2026 तक इसनों फ्रीज किया होया। यही सरकार कह रही है कि जिहड़ी अपनी अगली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी आ वह 2026 तो बाद जिहड़ी पहली सेंसस होगी, यानी कि हजे जेकर बिल पास हो भी गया हजे इन्नी जल्दी लागू नहीं होने वाला,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अकॉर्डिंग की कहा जा रहा है कि 2026 तो बाद जी पहली सेंसस होगी उस दे आधार के उत्ते अपना एक नव डिलिमिटेशन कमीशन सैटअप होगा, फिर उस तो बाद देखा जाऊगा कि कहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी वूमेन की रिजर्वेशन देनी है, कितने आपको पता कि शड्यूल कास्ट शड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन भी नाल नाल है अपने, तो उस दे विच फिर उहदे अकॉर्डिंग देखा जाऊगा। इस करके काफ़ी जगह के उत्ते कहा जा रहा कि इलैक्शन तो अपने को 2024 के विच ने, पर फिर भी इस बिल नूं क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो उहदे पिछे मेन रीज़न यही है कि इस नूं डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के चलते हुए हजे इंप्लीमेंट नहीं करेगी सरकार। अते डीलिमिटेशन अगली कदों होनी है, वो 2026 तो बाद जो अगली सेंसस यानी कि मेनली 2031 दे विच आपां कह सकते हैं सेंसस होगी, उस तो बाद फिर चल के डीलिमिटेशन कमीशन सैटअप किया जाऊगा, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज नूं रीड्रॉ किया जाऊगा, रीडिफाइन किया जाऊगा। हुण इसका चेंज किस तरीके पै इंपैक्ट किस तरीके पे, जेकर आप लोग सभा दीटा की गल करिए लोग सभा दीटा के जो सब तो पहले ये चेंज किया गया 1951 के 1951 की सेंसस के अकॉर्डिंग 1951 की सेंसस के अकॉर्डिंग लोग सभा दीटा 499 तो वधा के 494 की गई सी। उस तो बाद सरकार ने 1961 की सेंसस के अकॉर्डिंग 494 तो सीटा वधा के 522 की गई ने अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस। दैन 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग 522 तो सीटा वधा के 543 की गई ने। तो यह याद रखियो कि जिहड़ियां अपनियां हुण दीआं लोक सभा दीआं सीटां ने इह किस सेंसस के अकॉर्डिंग ने, 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग चल रही ने। उस तो बाद आपां अगे चल के देखते हैं कदों डीलिमिटेशन कमीशन सैटअप हुंदा अते उस तो बाद अपने कोले नवीआं कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनणगीआं, सीटां नूं इनक्रीज़ किया जाऊगा। तो एक इंपोर्टेंट सी राजे मेनली डीलिमिटेशन कमीशन बारे जरूर याद रखियो, बाकी बिल याद रखियो कि 128th अमेंडमेंट बिल आ जिन्हों सरकार ने पास करवाया वूमेन रिजर्वेशन को लैके, रिजर्वेशन लोग सभा ते विधानसभा दे विच मिलेगी, राज्य सभा दे विच रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। इस तो इलावा किसका विरोध हो रहा OBC को लैके कि OBC की रिजर्वेशन की गल सरकार ने नहीं की हैगी कि OBC कैटागरी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो उसनों लैके भी काफ़ी जगह के उत्ते विरोध किया गया अते कुछ विरोध किया जा रहा इस लैके कि वोटर की जिहड़ी चॉइस होजूगी वो लिमिटेड हो जूगी, क्योंकि किसी जगह पर सिर्फ वूमेन्स ही स्टैंड अप कर रही ने इलैक्शन के खड़िया हो रही ने, तो कोई इंसान को लगता कि उत्थे एक वधिया मेल कैंडीडेट हैगा सी, एक मेल जिहड़ा रीप्रजेंटेटिव हैगा सी, बट उन्हों रिजर्वेशन के चलते खड़ा नहीं हो सकता, तो वह भी उरे देखा जा रहा अपने। बाकी लास्ट के तुहाडे वास्ते एक क्वेश्चन आ कि इलैक्शन इनवॉल्वस फॉलोइंग एक्टिविटीज़, जो इलैक्शन आर्टिकल 324 का, आर्टिकल 324 किस दे चलते हुए किड़िया किड़िया एक्टिविटीज़ ने जिड़िया जरूरी ने, डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स, कंडक्ट ऑफ इलैक्शनज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पोलीटिकल पार्टीज़। ये अपने को PYQ4 के भी क्वेश्चन पाया हुआ है, तो इसका करैक्ट आंसर की होगा उसका आंसर जरूर पे करना है, बाकी तो इसका राइट आंसर मिल जूगा टैलीग्राम के ऑफिशियल चैनल के उत्ते। थैंक यू सो मच।